हेलो बच्चों, बात करते हैं आज कोसाइन रूल के बारे में। और कोसाइन रूल एक्चुअल में अब होता क्या है, किस टाइप से आप उसे यूज करते हैं और इसकी प्रूविंग कैसे होती है, उन सब के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो बने रहिएगा, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पहली चीज़ तो आपको डिस्कस करनी है कि कोसाइन रूल होता क्या है। कोसाइन रूल किसी भी ट्राइंगल के रिफरेंस में हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। कोई भी अगर एक ट्राइंगल है और इस ट्रायंगल के बारे में अगर हमने कहा कि ये ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी ट्रायंगल हो गया जिसके अपोजिट साइड्स आपको मालूम है ए बी और सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जाती है कि इसका कोसाइन रूल क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं किसी भी एंगल का कॉज इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइज ऑफ बी सी। अदरवाइज आप इसको ऐसा भी लिखते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ट्वाइज बी सी कॉज ए। ठीक है, जैसे कि कॉज ए के बारे में हमने लिखा है, इसी टाइप से आप कॉज बी के बारे में भी लिख सकते हैं। कॉज बी इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, ए यहाँ है तो ए को निगेटिव आपने किया है, तो यहाँ पे अगर कॉज बी के बारे में बात करें तो कॉज बी के लिए होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहाँ पर बी निगेटिव हो जाएगा, डिवाइड बाय ट्वाइज ए सी हो जाएगा। और सेम मैनर अगर हम बात करेंगे कॉज सी के बारे में, तो कॉज सी की जो वैल्यू आएगी दैट इज अ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइज ए बी। ठीक है, तो ये तीनों ही फॉर्मूले आपको यूज करने होते हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर एक फॉर्मूला आपको याद है तो बाकी सारे यूज तो हो ही जाएंगे। बात समझ में आ रही है, तो आई होप आपको ये फॉर्मूला तो समझ में आ गया होगा किस टाइप से आपको इसे लिखेंगे, ठीक है ना, और किस टाइप से आपको इसे यूज़ करना है। अब बात करते हैं कि इसे यह आता कहाँ से है। तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, इसको हम कार्टिजन फॉर्म से सॉल्व कर देते हैं। मान लीजिए कोई एक ट्राइंगल दिया गया, ट्राइंगल ए बी सी है और इसको हमने कोऑर्डिनेट प्लेन पर ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत सिंपल सा आर्टिकल होता है, एक्स ये हो गया, ये हो गया वाई, और एक ट्रायंगल हमने ओरिजिन से ले लिया है। ठीक है ना, ये ट्रायंगल हमने फॉर्म कर दिया, ठीक है ना, ये ट्रायंगल हो गया। और जिस एंगल के बारे में भी अगर आप बात करें, जैसे कॉज ए के बारे में बात करें, तो उसको आप वर्टेक्स में लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, इसको ए लिख दिया, यहाँ हमने बी लिख दिया और यहाँ हमने सी लिख दिया। ठीक है, हम यहाँ से कॉज ए के बारे में बात करेंगे, इस चीज़ को समझिएगा। अगर आपको बी लिखना है तो यहाँ पे आप बी लिख दीजिए, और सी निकालना है तो आप यहाँ से सी निकाल लिख दीजिए, इसलिए निकल आता है। ठीक है ना, तो जैसे ए यहाँ हो गया, अब आपको मालूम है कि इस साइड की लेंथ क्या होगी। अब ये बी के अपोजिट की साइड है, ये बी का अपोजिट है तो ऑब्वियस सी बात है ये बी हो जाएगा, ए के अपोजिट है तो ये ऑब्वियस सी बात है इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी ए और ये लेंथ हो जाएगी सी। ठीक है, अगर हम बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, बी पॉइंट हमने क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर दिया, और सपोज क्या ये पॉइंट क्या है, डी है। ठीक है, तो ये जो हाइट है, इस हाइट के बारे में अगर हम बात कर लें तो ये काम बन जाएगा। तो ये एंगल क्या है आपके पास, ये एंगल ए है, तो बी डी के बारे में बात करें, तो इन ट्राइंगल ए बी डी के बारे में अगर बात की जाए, तो साइन ए के बारे में बात की जाए, साइन ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर बी डी अपॉन हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस इज अ सी। सो हाइट बी डी इज अ सी साइन ए। ओके, और इसी ट्राइंगल में हम बात करें कॉज ए के बारे में, तो कॉज ए की जो वैल्यू आएगी दैट इज अ बेस अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज अ सी। इसका मतलब ये हो गया कि ए डी की जो वैल्यू आ गई दैट इज अ सी कॉज ए। इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको मालूम है ए डी मालूम हो चुका है, बी डी मालूम हो चुका है, तो इसका वर्टेक्स जो हो गया, इसका वर्टेक्स बी का वर्टेक्स होगा वो बेस ए डी होगा, ए डी की वैल्यू क्या हो गई सी कॉज ए, और इसकी हाइट जो होगी दैट इज अ सी साइन ए हो गया। ओके, अच्छा एक काम करते हैं, ये जो पॉइंट सी है, सी की जो वैल्यू होगी वो बी कॉमा जीरो हो जाएगी, और इसका वर्टेक्स क्या है वो जीरो कॉमा जीरो है, ए का पॉइंट भी आ गया है। ओके, सारी वैल्यू जा चुकी है, अब एक काम कर सकते हैं कि हम बी सी की लेंथ अगर निकालें, इस बी सी की लेंथ, तो बी सी की लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ बी सी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ बी सी इज इक्वल टू क्या हो सकता है, ए हो सकता है। अब बी सी की लेंथ का मतलब ये होगा कि हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें यहाँ पे।
बहुत सिंपल सा आर्ट कर लूँगा, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा आपको आसानी से। या बी सी स्क्वायर कर लीजिए, एक काम कर सकते हैं, बी सी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी दैट इज अ ए स्क्वायर हो जाएगी। बी सी स्क्वायर इसके बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, दैट इज अ सी कॉज ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस सी साइन ए माइनस जीरो होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। नाउ कैलकुलेटिंग, सो सी स्क्वायर कॉज स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ टू बी सी कॉज ए प्लस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगी। ओके, तो यहाँ तक की बात होगी। अब यहाँ से देखिएगा सी स्क्वायर साइन स्क्वायर और यहाँ पे सी स्क्वायर कॉज स्क्वायर, तो यहाँ से हम कॉज सी स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर हमने यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन निकाल दिया तो हमारे पास आ गया कॉज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए आ गया माइनस टू बी सी कॉज ए तो ऑलरेडी है हमारे पास और इज इक्वल टू देखा जाए और ए स्क्वायर भी आया है प्लस का ए स्क्वायर सॉरी प्लस का क्या है बी स्क्वायर है इज इक्वल टू ए स्क्वायर है प्लस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है ए स्क्वायर है। ठीक है, ये वैल्यू हो गई वन आपके पास। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जो रिजल्ट आ गया दैट इज अ ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बिकॉज ऑफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू वन माइनस ऑफ टू बी सी कॉज ए आ गया। तो इस टाइप से आप इसकी साइड की लेंथ का स्क्वायर जो होगा वो प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है ना, ये हो जाएगा। अदरवाइज आप इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से देखिएगा टू बी सी कॉज ए इज इक्वल टू आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर। सो कॉज ए को हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइज ऑफ बी सी। तो इस टाइप से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जैसे ही आपने इसे प्रूफ किया उसी टाइप से आपको सारे सारे एंगल्स के बारे में बात आप कर सकते हैं, इजीली बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप कोसाइन रूल को प्रूफ कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया। ये डेरिवेशन बहुत आसान सा था। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।